बदामा ने दरीदा
हरी में नबी विशे यूं दूर हूं ताइब में हरी में नबी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बरीदार किस से बयां हो या रसूल अल्लाह किस से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुलचीदा। सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या खूब आवाज़ है। और लाखों करोड़ों बे इंतहा बेशुमार दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पे, जिनकी दुनिया में आमद की खुशी में आज 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन न सिर्फ मुसलमानों के लिए इंतहाई बाबरकत है, खुशी का बाइस है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए, इंसानान आलम के लिए ये दिन बहुत बाबरकत और बहुत खुशी का दिन है। और यही वजह है कि आज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है पूरे जोश खरोश के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ और दुरूद पाक की सदाओं के साथ आज मनाया जाता रहा। तो आज का ये खसूसी प्रोग्राम भी 12 रबीउल अव्वल के इस बाबरकत दिन के नाम होगा। अभी जिनकी आपने इंतहाई खुशलहानी के साथ एक नात खानी सुनी, राजा शहबाज अली कादर मुल्क के मशहूर व मरूफ नात खां हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस खसूसी प्रोग्राम में 12 रबीउल अव्वल के मौजूद होंगे अलामा अमीन शहीदी साहब, मशहूर व मरूफ मजहबी स्कॉलर हैं। और हमारे साथ होंगी प्रोफेसर नौरीद फातिमा साहिबा, मशहूर और मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। अलामा अमीन शहीदी साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आज का बहुत खूबसूरत, बड़ा बाबरकत, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी रहमतों के साथ भरा हुआ आज का दिन है, और हम तमाम मुसलमान बल्कि तमाम इंसान बड़ी अकीदत के साथ इस दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जहाँ तालीमात इस्लाम, अल्लाह के अहकाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो तालीमात हमें दी गई बतौर मुसलमान, हम उन पर अमल करने में कहीं ना कहीं खामी रख जाते हैं, कहीं ना कहीं उससे कासिर हो जाते हैं। इंसान हैं, खता के पुतले हैं, कोशिश तो भरपूर करते हैं, लेकिन जब हम आज की दुनियावी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो लोगों का आपस में हुस्न सुलूक कम हो गया है, अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के साथ डीलिंग्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें खामियाँ और कमियाँ नज़र आ रही हैं। जबकि दावा हम करते हैं और दाई हम हैं कि रहमतुल आलमीन के पैरोकार हैं, जो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे बल्कि कुल इंसानों के लिए, कुल आलम के लिए, जितने माजी में गुजरे, जितने हाल में हैं, जितने मुस्तकबिल में हैं, सब के लिए रहमत है। तो क्या फरमाएंगे इस पे अलामा अमीन शहीदी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा आपका। आपने अपने इंट्रो में जो बात की कि नबी करीम रहमतुल आलमीन है इस पूरे आलम के लिए और उस आलम के लिए भी, और उसके बाद जो आपने बड़े पोलाइट अंदाज में कहा कहीं ना कहीं इंसान से गलती हो जाती है, तो हम जब रहमत लिल आलमीन हस्ती की उम्मत के तौर पर अपने माशरों को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती की बात नजर नहीं आती बल्कि सरापा गलती की बात नजर आती है। रहमतुल आलमीन का किरदार कहाँ, उनका उसलूक कहाँ, उनका अखलाक कहाँ, उनका रवैया कहाँ, उनकी तालीमात कहाँ और हमारा माशरा कहाँ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नेकी भी नजर आती है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन नफसा नफसी का ऐसा आलम है कि बाप बेटे से और बेटा बाप से ख्यानत करने लगा है। माशरे में कोई भी शख्स दूसरे को हुस्न जन से नहीं देखता,
हर एक दूसरे की निस्बत बदगुमान है, करप्शन का जो आलम है वो आपके सामने है। जब हम इस एतबार से देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम अगरचे रहमतुन लिल आलमीन की उम्मत में से हैं, लेकिन इस्लाम का नाम है वो नहीं है। 12 रबीउल अव्वल या नबी करीम की विलादत बासादत का दिन और ये मुबारक महीना अगर हमें अटैच कर सके, हमें जोड़ सके नबी करीम से, तो ये जुड़ना सिर्फ नारों की हद तक, नातखानी की हद तक, जश्न की हद तक और झूमने की हद तक नहीं आए, बल्कि हमें उस किरदार में ढाल सके तो फिर ये मुअस्सर है। और किरदार नबी तो वो है जिसके नतीजे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का से यानी अपने बदतरीन दुश्मनों से जब ये पूछा था कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे कोई लश्कर आ रहा है तुम्हारे खिलाफ, तो तुम यकीन करोगे या नहीं करोगे, तो सबने बैग जबान कहा था कि हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। पूछा था क्यों? इसलिए कि हमने गुज़श्ता 40 सालों में आपके हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो हमें इस बात पर तशवीश में मुब्तला करे कि आपकी बात में कहीं पर कोई खोट हो, यानी आपका किरदार, आपका उसलूब, आपका अखलाक, आपका रवैया ऐसा है कि दोस्त के लिए भी और दुश्मन के लिए भी नमूने अमल है और उसवे हसना है। जब हम इस एतबार से नबी करीम के उम्मती होने की हैसियत से अपने माशरे को और खुद अपने आप को देखते हैं तो हकीकत यह है कि खुद से भी शर्म आती है और अपने माशरे से भी शर्म आती है। वो रहमत आलमीन जो जानवरों पर भी रहमत थे, कीड़े मकोड़ों पर भी रहमत थे, दरिंदों पर भी रहमत थे, हत्ता जालिमों के लिए भी रहमत थे। क्योंकि नबी करीम की तालीमात में एक जो बात नजर आती है वो ये है कि अगर कोई जुल्म कर रहा हो तो उस जालिम की मदद करो। पूछा गया या रसूलल्लाह जालिम की मदद? फरमाया कि हाँ, उसका हाथ पकड़ो, उसको जुल्म से रोको। ये जो तुम उसको जुल्म से रोकोगे ये उसकी मदद है। तो जहां पर अल्लाह के रसूल की तालीमात जालिमों के हवाले से भी ऐसी हो कि उनका भी वो भला चाहते हो, उनको भी निजात दिलाना चाहते हो, जहां पर इस उम्मत के दरमियान मर्द और जन और बच्चों और बूढ़ों के साथ आपका रवैया ऐसा हो कि वो सबको आपस में शीर और शकर देखना चाहते हो, जब कुरान करीम आपके हवाले से ये फरमाता हुआ नजर आता हो कि जो भी रसूल के साथ है वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार व रहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहीम है, मोम की तरह से आपस में मोहब्बत भरी जिंदगी है उनकी, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, खुद अपना पेट काटते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, ये हर उस फर्द के बारे में है जो नबी करीम का साथी हो। नबी करीम के साथी का मतलब सिर्फ वो 23 साल के साथी नहीं है, बल्कि ता क़यामत जिसने भी नबी का परचम उठाया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो नबी का साथी है और वल्लज़ीना मअहू में शामिल है। जब ऐसा है तो फिर नबी के साथी की खुसूसियत जो कुरान करीम ने बयान की है वो तो ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफार व रहमाउ बैनहुम, कुफर शिर्क और अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार है, फौलाद है, लेकिन आपस में मोम की तरह से रहम है, रहम दिल है, नर्म है और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। अगर हम इन सिफात के आईने में मौजूद उम्मत को देखें, मुख्तलिफ तबकात को देखें जिंदगी के, तो हमें महसूस होता है कि भाई इस तरह की सिफत आपको लाखों में कोई एक दो चार लोगों में शायद नजर आए, बाकी लोग तो नफसा नफसी का शिकार हैं, अपने लिए दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, अपनी ख्वाहिशात के लिए दूसरों की ख्वाहिशात का गला काटने को तैयार हैं, दूसरों की जिंदगी का सौदा कर लेंगे लेकिन अपने छोटे से मफाद की खातिर पूरी दुनिया को आग लगाने को तैयार नजर आएंगे। अब ये कैफियत मजहबी तबकात में भी है, ये कैफियत गैर मजहबी तबकात में भी है। नबी करीम अपनी जात में और अपनी तालीमात में अल्लाह की हुज्जत भी है, दलील भी है, रसूल भी है, नबी भी है और नमूने ये कामिल है, लेकिन उम्मत उस नमूने के सांचे में ढल नहीं सकी जिसकी वजह से इस वक्त जो है जिल्लत, रुसवाई, पस्ती इस उम्मत के मुकद्दर में है। इसलिए 12 प्रोफेसर नौरीन साहिबा आपसे मेरा सवाल होगा कि औरत एक मुआशरे की बुनियादी इकाई होती है,
औरत से ही ना सिर्फ एक खानदान का और एक फैमिली का, औरत न्यूक्लियस होती है, फैमिली न्यूक्लियस होती है, पूरी सोसाइटी का जो सिस्टम है वो उसी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। सो औरत उसका बुनियादी सेल है, औरत उसका बुनियादी इकाई है। सो एक औरत से ही जो बेटा तालीम पाता है वो फिर बेटा बनता है, फिर वो भाई बनता है, शौहर बनता है, बाप बनता है। सो एक औरत जो उसको तालीम व तरबियत देगी, ख़ासतौर पे इस्लामी तालीमात के मद्देनज़र, उसके पेशे नज़र, तो फिर मुआशरे में हमें एक सुधराव जो है वो भी नज़र आएगा और एक सुलझाव भी हमें नज़र आएगा। सो क्या वजह है कि आलमी दुनिया में और ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन स्कॉलर्स हमें बड़ी कम नज़र आती हैं? ख़वातीन स्कॉलर्स ज़्यादा होंगी तो ख़वातीन उनके पास तालीम व तरबियत के लिए जाएंगी, अपनी इस्लाह कर सकेंगी, आगाही हासिल कर सकेंगी और वही अच्छी तालीम फिर आके अपने ख़ानदान को, अपनी औलाद को दे सकेंगी। मर्द स्कॉलर्स माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में नज़र आते हैं और बावजूद इसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस ज़माने की ख़वातीन बराह रास्त आकर जो है तालीम हासिल किया करती थी, आगाही। लेकिन बहरहाल आज एक झिझक मौजूद है, हमेशा से है, ख़वातीन मर्दों के पास अपने मसाइल या आगाही के लिए जाते हुए झिझकती हैं। तो ख़वातीन स्कॉलर्स ज़्यादा होंगी आलमी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में, तो ख़वातीन को आगाही, इस्लामी तालीमात तक रसाई, उसके बारे में दुरुस्त मालूमात होना वो आसान हो जाएगा। क्या कहेंगी प्रोफेसर नौरीन फातिमा? इस बहुत शुक्रिया वरीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से आपका, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने पहली दफ़ा मुझे मदऊ किया और इतनी खूबसूरत नशस्त के साथ, जिसको हम नूरुन अला नूर कह सकते हैं, उसके साथ मुझे जोड़ा। यकीनन बरोज़ हशर जब आप सब मिलके इसका अजर पाएंगे तो मैं आपके साथ होंगी। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उसके बाद आपको और आपके चैनल की वसातत से पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती बसते हैं, जो उम्मत दावत है वो भी और जो उम्मत इजाबत है वो भी, उनको रहमतुलिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही खूबसूरत आपका सवाल और हमेशा थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर्स आप ओपन करती हैं। मैं ये समझती हूँ कि एक औरत होने के नाते से आपने इस कमी को जिस शद्दोमत के साथ महसूस किया वो मेरे दिल की आवाज़ है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। तो इस मौके पर कि जब हम रहमतुलिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तस्करे कर रहे हैं, तो एक औरत का इस सोसाइटी की जो बुनियाद साजी है उसके अंदर किरदार हम देखते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से शुरू होता है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि करबला में आप ही की जो नवासी हैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, वो इसको मेराज तक पहुँचाती हैं। इन बिटवीन हमें सैयदा फ़ातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा और दीगर मुखद्दरात इस्मत बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात हैं वो हमें ज़िंदगी के हर मैदान में नज़र आती हैं। और जहाँ तक बात है इस्लामिक स्कॉलर्स की, तो आप देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद इसका एहतमाम इस तरह से फ़रमाया कि सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए आपने हज़रत खंसा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक अतालीक मुकर्रर किया, जिसको आज की ज़ुबान में हम ट्यूटर कह सकते हैं। और फिर कुरान करीम को जमा करने का एज़ाज़ भी आपके पास है। उसके बाद हम देखिए सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, द बेस्ट इस्लामिक फ़ीमेल स्कॉलर। तारीख आज तक आपके पाए की कोई इस्लामिक स्कॉलर इतनी, मैं समझती हूँ द मोस्ट लर्नड लेडी ऑफ द हिस्ट्री, नॉट ओनली फॉर इस्लामिक हिस्ट्री, क्योंकि आपसे ज़्यादा हमें बा इल्म खातून नज़र नहीं आती। और उसके बाद ये तसलसल आज के दौर तक जब पहुँचता है तो इस पाकिस्तान के अंदर ही हम देखिए कि जब इसका क़याम हुआ तो मोहम्मद अली जिना रहमहुल्लाह के साथ हमें फ़ातिमा जिना खड़ी नज़र आती हैं। तो फिर क्या वजह हुई कि जो कलमे के नाम पर यह मुल्क हासिल किया गया उसके अंदर जब हम इस्लामिक स्कॉलर्स की बात करते हैं तो हमें इस मैदान के अंदर वो फ़ुकदान नज़र आता है कि आप देखिए कि बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के हमें कोई इक्का दुक्का, क्योंकि मैं भी आपकी कुर्सी पर कभी कभार बैठने का मौका मिलता है, तो मैं जब अब एंकरशिप में होती हूँ तो मुझे फ़ीमेल इस्लामिक स्कॉलर्स नहीं मिलती।
अमीन शहीदी साहब को अल्लाह सलामत रखे, इनकी बहन हैं डॉक्टर खानम सकीना, वो और चंद दीगर ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको हम समझते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का पैगाम बड़ी हक्कानियत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ पहुंचा रही हैं। तो इस मैदान में मैं समझती हूँ कि जहाँ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहाँ आज के दिन ख़ास तौर पर हमें बहसियत एक उम्मत की बेटियों के ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। मैं अक्सर गरीदा अपने ऊपर ये कैफियत तारी होती हुई महसूस करती हूँ। जब मैं सूरह तकवीर की तिलावत किया करती थी क्लास 7th-8th में, तो जब मैं ये पढ़ती थी ना, व इज़ल मऊदा तो सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि उस जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म में दफनाया गया। तो कैन यू इमेजिन कि मैं ये महसूस करती थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतलिल आलमीन की शान में मुझे हिस्सादार न बनाते, मेरे बाप जो मुझे ज़िंदा दफना रहा था उसके हाथों से छीन कर और मुझे वो तकरीम ना देते जो आपने अपनी शहज़ादी और शहज़ादी कौनैन सैयदा फ़ातिमातु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दी, कि आप उठकर खड़े होते, आप आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल करते, आप उनका माथा चूमते, उनके हाथ को बोसा देते और अपनी चादर बिछाकर अपनी मसनद पर अपनी शहज़ादी को बिठाकर फरमाते, फ़ातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तू मेरी जान है, फ़ातिमा बिदअत मिन्नी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और वही खैरात फिर आपको मिली, वही खैरात मुझे मिली कि मेरे बाप ने मुझे ज़िंदा रखा, मुझे तालीम दी और आज इस काबिल बनाया कि हम इस सोसाइटी के अंदर कोई खैर की बात कर रहे हैं, कोई खैरुन्नास मैयनफाउन्नास के किसी एक हज़ारवें या करोड़वें हिस्से में हम अपना इनपुट इस सोसाइटी में दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जनरल एजुकेशन की, उस मैदान में भी आप देखिए, माजी करीब तक जो बॉम्ब ब्लास्ट होता था वो लड़कियों के स्कूल पर होता था, लड़कों के स्कूल पर नहीं होता था। फिर आप देखिए, जब हम इस्लामिक एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने उसको मदारिस में कैद करके कलीसाओं के अंदर जिस तरह से एक मज़हब के पैरोकार जो है अपने मज़हब को लेकर चलते हैं, हमने उसको उस तरह से जो है वो उसकी पार्टीशन कर दी है कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन के, और हमारा जो जनरल जो स्कूल है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, इसके अंदर से पढ़ के आज हमारे तक कोई भी फीमेल इस्लामिक स्कॉलर नहीं निकलती। तो मैं समझती हूँ कि उकास के बाज़ार में बिकने वाली वो औरत कि जिसको फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसियत माँ के जन्नत इसके कदमों में रख दी, बहसियत बीवी के खुल्के शौहर, जो शौहर का खुल्क होता है उसके लिए पैरामीटर बना दिया कि तुम में से बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है और मैं तुम में से बेहतरीन हूँ। और बेटियों के मामले में आपने 3, 2 या 1 बेटी की नेक परवरिश पर और बेटे से उसको इम्तियाजी सलूक न देने पर बल्कि हुक्म दिया कि अगर अच्छा सलूक करना, ज़्यादा अच्छा सलूक करना रवा हो तो बेटी के साथ किया जाए। आपने अपनी 2 अंगुश्त मुबारक जोड़कर मेरे आपके हम सब के बापों को जो अपनी बेटियों के साथ हुस्ने सलूक करते हैं जन्नत ने अपने कुर्ब की बशारत दे दी। तो आज क्या उन बेटियों के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती? मैं समझती हूँ सबसे पहले तो शुक्राना बनता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे करम से मुझे ज़िंदगी का नूर मिला, मोहब्बतों का सलीका हुनर शऊर मिला और हमारे जिस्मों पे रहमत कबाएँ तेरी हैं, तेरी अमा में हमें इज़्ज़त और सुरूर मिला। तो जिस ज़ात ने हमें ज़िंदा रहने का हक़ दिलवाया, हमारे सर पर चादर दी, हमें तौकीर का वो ताज पहनाया कि बाप हो, भाई हो, बेटा हो, शोहर हो, वो 4 सुतून बनकर, 4 दीवारी बनकर हमारी इस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, तो क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी? प्रोफेसर नौरीत फातिमा साहिबा, क्योंकि माँ प्रोफेसर नौरीत साहिबा आपकी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ, एक ब्रेक लेते हैं फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आज हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। रशे बाद साहब माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली और दिल नमदीदा हो जाता है और आँख भी नमदीदा हो जाती है। आप जिस तरह से नात खानी करते हैं, सो क्या वजह है कि हम जब देखते हैं कि जो दीगर जो म्यूज़िक है उसकी तरफ नौजवान बड़े राग़िब होते हैं, उसको ना सिर्फ कौमी सतह पे बल्कि आलमी सतह पर भी हम जहाँ पर भी देखते हैं, सो हमें रसाई ज़्यादा है जो दीगर म्यूज़िक के एलिमेंट्स हैं, जो दीगर मौसीकी है, जो दीगर मामलात हैं, लेकिन नात खाने के हवाले से सिर्फ एक मखसूस तबका है जो कि उसको सुनता है, उसको फैलाता है, YouTube पे हमें नज़र आता है, बच्चों का शौक़ होता है कि जी हम गिटार पकड़ के, पियानो पकड़ के, ड्रम पकड़ के तो हम एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन जाएं। नात खाने की तरफ आने का रुझान उतना ज़्यादा अभी क्यों नहीं है और आप कैसे आए नात खाने की तरफ?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 6 साल की एज में मैं इस फील्ड में मैं आ गया था नाथानी में। दरअसल बात यह मैडम कि आजकल का जो दौर है ना, उसमें इस फील्ड में आगे आना बहुत मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात है इस फील्ड में आगे आना, सबसे अच्छा जो आपका प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है जी, जिससे आप आगे आ सकते हैं। मुझे 6 साल की एज में मैंने पढ़ना शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मेहनत की, और काफ़ी मेहनत के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। और जहाँ तक म्यूज़िक के साथ नात पढ़ना, तो मैं ये नहीं समझता कि म्यूज़िक के साथ अगर नात पढ़ी जाए अच्छी चीज़ नहीं है। और आजकल आपने ये भी बोला है कि हमारे नौजवान ज़्यादातर म्यूज़िक गिटार पकड़ के, जनाब आप टिकटॉक पे भी देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो बहुत सारे लड़के जनाब गाने की तरफ हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी कमबख्ती है कि हम इस माशरे में उस चीज़ को हम ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इस चीज़ से हम दूर हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की हमदो सना करनी चाहिए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अपनी आहरत को संवारना चाहिए। बेशक। अलामा अमीन शहीदी साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जो इस वक्त पाकिस्तान को, ख़ासतौर पर नौजवानों को, इंतहा पसंदी के ख़तरे का सामना है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़तरे का सामना है, जो खवारिज हैं, जो फितना अल खवारिज हैं, इन सब से किस तरह से निपटा जा सकता है, ख़ासतौर पर क्योंकि ये इस्लाम से खारिज है, इंतहा पसंदी इस्लाम में नहीं है, दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस्लाम का नाम लेके, इस्लामी तालीमात का नाम लेके जो इंतहा पसंदी दहशतगर्दी फैलाई जाती है, ख़ासतौर पर फितना अल खवारिज। अलामा अमीन शहीद साहब, एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा होने की हैसियत से आप क्या फरमाएंगी, इसका तोड़, इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए आज के दौर में? दीन इस्लाम एक जामे दीन है, कुरान एक जामे किताब है, दीन और कुरान दोनों आखिरी कुतुब है, आखिरी दीन। इसका मतलब यह है कि क़यामत इंसान की अगर कोई ज़रूरत है तो वो इस कुरान में मौजूद है, उसकी रहनुमाई मौजूद है, हिदायत मौजूद है, और इस्लाम तालीमात में वो तमाम चीज़ें बदरजे कमाल इंसानों के सामने मौजूद हैं। तो ये जो आजकल दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, तकफीरियत और बेगुनाहों का कत्ल आम और माशरे को तलपट कर देना और फिर लेबल इस्लाम का लगा देना है, ये खुद दीन के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। अब यहाँ पर दो पहलू हैं, एक पहलू आलमी सियासत का पहलू है जिसमें आलमी ताकतें मजहबी गुरोहों को और शिद्दत पसंद अनासिर को अपने उन मजबूत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुस्लिम दुनिया में जंग छेड़ कर अपना असलाह बेचते हैं, लेकिन बदनामी दीन की होती है। इस्लाम चूंकि मुतदिल दीन है, इसलिए इस्लाम के अंदर किसी भी तरह का इनहराफ मौजूद नहीं है। इस्लाम में हत्ता काफिर का हक मौजूद है, बयानशुदा है, मुशरिक का हक मौजूद है, बयानशुदा है, जानवर का हक मौजूद है, बयानशुदा है, चरिंदों परिंदों कीड़े मकोड़ों का भी हक इस्लाम ने मुअय्यन किया है कि और उनका तहफ्फुज़ होना चाहिए। अब जब इस्लाम ने इस हद तक जामियत के साथ हर मखलूक के हक का तायुन किया है, तो इंसान को कोई हक नहीं पहुंचता कि जहां पर उसका दिल मचा है वहां पर दीगर इंसानों की जिंदगी उनके लिए जहन्नम बना दें और धमाकों के जरिए से, टारगेट क्लिनिक के जरिए से, दीगर जराए इस्तेमाल करते हुए शहरों के शहर और मुल्क के मुल्क बर्बाद कर दें। आज जो हम मुख्तलिफ शिद्दत पसंद गिरोहों की सूरत में सीरिया से लेकर पाकिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेकर वजीरिस्तान तक जो ग्रुप्स देखते हैं, ये ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं जिनको इस्लाम का लिबादा ओढ़ाया गया है, लेकिन पीछे जो मकासद है वो मकासद आलमी ताकतों के हैं, और ये जो लोग हैं ये उन आलमी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले किराए के कातिल हैं। अब किराए के कातिल को शिद्दत पसंद मुस्लिम एक्टिविस्ट कहकर इस्लाम के ऊपर एक धब्बा लगा दिया जाता है कि भाई इस्लाम का नहीं, इस्लाम में दो रस्ते हैं, एक हक का रास्ता है, एक बातिल का रास्ता है। वो जो हक का रास्ता है वो दुरुस्त रास्ता है, और जो बातिल का रास्ता है वो है इन्हराफ। तो इसलिए इन्हराफ
और दुरुस्त रस्ते में से एक का इंतखाब ये मुसलमान की जिम्मेदारी। बिल्कुल दुरुस्त। अलामा अमीन साहब, गुस्ताखी माफ, लेकिन हमारे पास वक्त की जो कि कमी होती है, बावजूद इसके कि दिल करता है कि इंसान आपका वाज़ो नसीहत सुनता चला जाए, लेकिन माजरत इस गुस्ताखी को मेरी माफ़ कीजिएगा, कबूल भी कीजिएगा इस माजरत को। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आज हम एक खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ, एक ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आज हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोफेसर नौरीद साहिबा, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊँगी कि इस वक्त जो आलमी दुनिया में इस्लाम के इमेज से एसोसिएट किया जाता है वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को, सो मच सो कि इस्लामिक टेररिज्म की एक इस्तलाह कई अरसे से मुतारिफ करवा दी गई थी, अब वही इस्तेमाल होती है। इस इमेज को किस तरह से काउंटर किया जा सकता है, इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खिलाफ, फितना अल खवारिज के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, इनका तोड़ कैसे हो सकता है? गरीदा, बहुत ही खूबसूरत आज के इस नशिस्त का मैं समझती हूँ कि आपने ये जो निचोड़ और मग़ज़ है उसको पकड़ा है, और बहुत खूबसूरत इसका जवाब अमीन शहीदी साहब ने दिया। मैं इसी के तसलसल को आगे बढ़ाऊँगी कि जो मैं पहले बात कर रही थी कि माँ की गोद को पहली दरसगाह करार दिया गया। अब आप देखिए कि माँ जो है, अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर अपने नायब और खलीफा जो आदमी है, जो इंसान है, उसके अंदर तख्लीक और तामीर, मैं दो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, तख्लीक अल्लाह की तरफ से, लेकिन तामीर इट सेल्फ उसने कैसे पर्सनालिटी मेकिंग करनी है, और फिर उसके बाद इस सोसाइटी को एक ऐसा कामिल अकमल मुसलमान देना है कि जो मोमिन के दर्जे पर फाइज हो, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। अब आज के दौर के तनाजुर में मुसलमानों को जिस तरह से चींटी की तरह मसला जा रहा है, हमारे अंदर एक वहन की बीमारी जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडिकेट किया था, वो दर आई है। अब इस फितना खवारिज को जब हम सामने रखते हैं तो इसके काउंटर में हम माओं ने, हम बापों ने, हम मुसलमानों ने, हम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये आयत बरसरे मिंबर सुनाने वालों ने क्या एहतमाम किया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अंदर अपना मुंह दिखा सकें। बट आई एम सॉरी टू से, हमने कोई एहतमाम नहीं किया। तालीम के मैदान में देख लें, तरबियत के मैदान में देख लें, हमने उम्मत को धड़ों में बाँटा, हमने तालीम को, जैसे मैं पहले बात कर रही थी, मुनकसिम कर दिया। आज रियासत मदीना का नारा लगाकर हम हकूमत, हम रियासत, हम इसको बचाओ के लिए प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल तो करते हैं, मगर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर जो निज़ाम कायम किया था, वो निज़ाम कायम करके एक खारजी जो ज़ुल्ख़वैसरा तमीमी था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडिकेट किया था कि इसकी औलाद में से खवारिज पैदा होंगे। आज इस मुल्क के अंदर भी हम अब तक खवारिज से लड़ रहे हैं, और इस्लामोफोबिया जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों को दरपेश है, आलम इस्लाम को दरपेश है, मैं गुम्बद खजरा की तरफ देख कर रोज़ाना रोकर ये दुआ मांगती हूँ कि ऐ गुम्बद खजरा के मकी, मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। प्रोफेसर नौरीद साहिबा, मुझे यहाँ पे कथा कलामी करनी पड़ेगी आपसे भी, इसकी माजरत, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, और इंशाल्लाह इस्लाम की तालीमात के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान से इंतहा पसंदी दहशतगर्दी का खात्मा भी होगा, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को हम एक सही मायनों में फलाही मुमलिकत जहाँ पर अवाम की फलाह बहबूद हो, ये होते हुए देखेंगे भी। अलामा अमीन शहीदी साहब, प्रोफेसर नौरीद फातिमा साहिबा और राजा शहबाज अली कादरी साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 8 बजे GTV पे। अल्लाह हाफ़िज़।